अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी और बेस्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की तरफ से। आपने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से उस्मान खान टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बेस्ट एजुकेशनल और गाइडलाइन वीडियोस हर किस्म की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स के एंट्री टेस्ट की। 2016 में नम्स का एंट्री टेस्ट कब हुआ था और कितनी दफा हुआ था, 2017 में कितनी दफा हुआ था और इस दफा 2018 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का टेस्ट कितनी दफा होगा और कहां कहां पर होगा, ये मैं आपको बताता हूं। और ये टेस्ट कितने मेडिकल कॉलेजेस के लिए वैलिड होगा, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें आपको मैं बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। 2015 में ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स बनी थी और उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि 2016 में जब पहली इंडक्शन हुई थी तो साल में दो दफा इसका टेस्ट हुआ था और उन दोनों टेस्टों में से जिसके ज्यादा मार्क्स थे उस मार्क्स की बेस पर उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था आर्मी मेडिकल कॉलेज में और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एफिलिएटेड थे। लेकिन 2017 में यानी पिछले साल सिर्फ एक एंट्री टेस्ट हुआ था जिसकी बेस पर तमाम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसी तरह अभी इस साल 2018 में भी सिर्फ एक ही एंट्री टेस्ट होगा, दो टेस्ट नहीं होंगे। यहां पर बहुत से लोग इस कंफ्यूजन का शिकार है कि अभी इस साल दोबारा दो टेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की तरफ से और उस टेस्ट की बेस पर आपने अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूं पिछले साल अप्लाई करने की डेट्स क्या थी। अगर हम बात करें एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशंस की तो ये उसका एड है जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का 2017 के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस के लिए अखबार में आया था और इस टेस्ट की बेस पर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में आपको दाखला मिल सकता है, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज, सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स, वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मलीर कैंट कराची। ये टोटल 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं लेकिन इस साल 2018 में इसमें एक और मेडिकल कॉलेज का भी इजाफा हो जाएगा जो है सीएमएच मेडिकल कॉलेज। इसके बाद जो बीडीएस के इंस्टीट्यूट हैं वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर। इसका जो पिछले साल एड आया था वो 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी और 31 जुलाई को एंड हुई थी। तो इस साल 2018 में भी जुलाई का महीने को आपने फोकस रखना है कि जुलाई में ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। उस वक्त तक आपके एफएससी का रिजल्ट नहीं आया होता तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, रिजल्ट का वेट नहीं करना, आपने पहले ही अप्लाई कर देना है। आप होप सर्टिफिकेट की बेस पर आप वेटिंग स्टूडेंट की फहरिस्त में आपने जो है वो अप्लाई करना है। और एंट्री टेस्ट जो पिछले साल हुआ था वो हुआ था 27 अगस्त को। ये था एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं जो कि एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबे हैं जैसे बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बीएस कार्डियक परफ्यूजन और बीएस नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए भी आपने जो है वो अप्लाई किया था। जो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उनको याद होगा कि जो है इनकी जो एप्लीकेशन की जो एडमिशन थे वो भी बिल्कुल सेम इन्हीं डेट्स में ही ओपन हुए थे। यानी जिन डेट्स में एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स ओपन हुए थे 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी और 31 जुलाई 2017 को ये रजिस्ट्रेशन जो है ये क्लोज हो गई थी। और उसके बाद टेस्ट भी सेम डेट को था, 27 अगस्त को था। यहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि बहुत से लोग सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई कर देते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई नहीं करते। आप अगर दोनों शोबों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग से फॉर्म फिल करने होंगे। एनटीएस की वेबसाइट पर दोनों के लिए अलग से आपने फॉर्म फिल करने होंगे। दोनों के लिए अलग फीस है, 3,000 रुपए फीस एमबीबीएस बीडीएस के पेपर की है और 1,500 फीस जो है वो एलाइड हेल्थ साइंसेज की है जिसके अंदर बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बीएस कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। और जो है आप दोनों शोबों के लिए एलाइड हेल्थ साइंसेज और एमबीबीएस बीडीएस के लिए एक ही वक्त में टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और इसके बाद आपको बताता हूं कि ये जो एलाइड हेल्थ साइंसेज है इसका जो कॉलेज है वो है आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट AFPGMI रावलपिंडी जो कि सीएमएच रावलपिंडी वाकई है। अगर हम बात कर लें पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस की जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस हैं उसकी अगर मैं आपको बताता हूं तो उसमें यह है कि जो एमफिल पीएचडी डिप कार्ड यानी डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी या एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ ये तमाम एडमिशंस जो हैं ये 27 सितंबर को जो है ये एडमिशन इनके क्लोज हुए थे और एडमिशन ओपन हुए थे 28 अगस्त 2017 को। यानी जब एमबीबीएस का टेस्ट हो चुका 27 अगस्त को तो उसके फौरन बाद ही 28
28 अगस्त को ये एडमिशन्स ओपन हो चुके थे। पीएचडी के लिए जो एंट्री टेस्ट था वो था 15 अक्टूबर 2017 को, और एमपीएच, पीएचडी और एमफिल के जो इंटरव्यूज थे वो थे 13 से लेकर 17 नवंबर तक, यानी कि नवंबर के महीने में इनके इंटरव्यूज चलते हैं, तो ये काफी लेट हो जाता है प्रोसेस। तो आप लोगों को डेट्स जो है वो ऑलमोस्ट माइंड में जो है आपके हों, आपको पता हो कि ये डेट्स कब कब अनाउंस होती हैं और कब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद आपको ये था कि नम्स के टेस्ट के बारे में बेसिक आपको बता दिया जाए कि टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी और इसके लिए जो है आपने अप्लाई कब करना है और ये टेस्ट किन किन कॉलेजेस के लिए वैलिड है। आर्मी मेडिकल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है नम्स का, और बाकी तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर हैं, और वो जो है आपको बताते चलूं वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एफिलिएटेड हैं। आप इन तमाम कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं, और वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट वो ये है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान से हर स्टूडेंट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के स्टूडेंट ही सिर्फ दे सकते हैं, जैसे एमडी कैट का टेस्ट होता है तो सिर्फ पंजाब के लोग दे सकते हैं, ईटा होता है तो केपीके के दे सकते हैं, डॉ का टेस्ट होता है तो सिर्फ सिंध दे सकता है, बीएमसी का टेस्ट में सिर्फ बलूचिस्तान के अपेयर होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा सीन नहीं है। यहां पर पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म के आप इलाके से ताल्लुक रखते हैं, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब, तो आप इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। और इसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई रिजर्व सीट्स नहीं है, ऑल सीट्स आर ओपन मेरिट। आप कंपीट करेंगे, मेरिट को कंपीट करेंगे और आपको जो है वो एडमिशन इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं उसके जवाब